सब्सक्राइब करें मेरे चैनल टेक नमस्ते को, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूले मेरे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू। जी दोस्तों, पिछले साल से इंडियन रुपी 27% से ज्यादा गिर गया है यूएस डॉलर के केस में। कंटिन्यूसली इंडियन रुपी डॉलर के आगे वीक होता जा रहा है। इसके चार मेन रीजंस हैं। फर्स्ट, ह्यूज ट्रेड डेफिसिट, मतलब बिजनेस में भारी नुकसान। दोस्तों, इंडिया ज़्यादातर चीज़ें इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को वो पैसा देना होता है जो वो मांगती हैं। लास्ट ईयर इंपोर्टिंग की वजह से 185 बिलियन डॉलर्स तो कंट्री के बाहर ही चले गए, और जबकि अंदाज़ा 160 बिलियन डॉलर्स का लगाया गया था। सेकंड, लोअर कैपिटल इनफ्लोज, मतलब फॉरेनर्स का इंडिया में इन्वेस्टमेंट कम होना। दोस्तों, इंडिया के रिसोर्सेज, वेदर कंडीशंस और एडल्ट पॉपुलेशन को देखकर फॉरेनर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं और स्टार्टअप करना चाहते हैं इंडिया में, पर इंडिया में टैक्स के रूल्स को देखकर वो लोग पीछे हट जाते हैं। थर्ड, हाई बैंक अकाउंट डेफिसिट, मतलब बैंक अकाउंट्स की भारी कमी। दोस्तों, करंट प्राइम मिनिस्टर के कुछ प्लान्स की वजह से इंडिया में ढेर सारे अकाउंट्स खुल चुके हैं, पर अभी भी पॉपुलेशन का बहुत सारा हिस्सा इससे दूर है। बैंक अकाउंट्स कंट्री की इकोनॉमी में हेल्प इसलिए करता है क्योंकि अकाउंट्स में इंटरेस्ट से कुछ पैसा कस्टमर को भी मिलता है, बैंक को भी मिलता है और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को भी मिल जाता है। फोर्थ, डीवैल्यूएशन प्रेशर। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। राम एक बड़ा बिजनेसमैन है जिसकी कंपनी यूएस में एस्टेब्लिश्ड है। वो चाहता है कि इंडिया में भी उसकी एक ब्रांच खोली जाए, पर क्योंकि वो ये जानता है कि इंडिया की करेंसी यूएस डॉलर से बहुत वीक है, तो वो अपना कम से कम पैसा ही इंडियन बैंक्स में डिपॉजिट करवाएगा। अगर उसने ज़्यादा करवा दिए तो जो ग्रोथ उस पैसे की यूएस के बैंक्स में होती, वो ग्रोथ इंडियन बैंक्स में नहीं होती। इन शॉर्ट, इंडियन रुपी की कोई वैल्यू नहीं है उसके आगे, और इसी को कहते हैं डीवैल्यूएशन प्रेशर। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉरेन बिजनेसेस ही अपना पैसा इंडिया के बाहर रखना चाहते हैं, बल्कि इंडिया के भी कुछ बड़े लोग जैसे पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, वो भी अपना पैसा यूएस जैसे देशों में डिपॉजिट करवा देते हैं क्योंकि उन्हें कोई वैल्यू नहीं दिखती इंडियन रुपी में। इन्हीं चार मेन और बड़े रीजंस की वजह से इंडियन करेंसी वीक होती जा रही है। दोस्तों, आपके क्या व्यूज़ हैं इसको लेकर कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस लाता रहूँ जिस पे पहले किसी ने बात ना की हो। इन शॉर्ट, लाइक, शेयर।